बिग बॉस सीजन 16 का हाउस टूर हम लेकर आ गए हैं आपके सामने। आखिरकार कैसा दिखता है बिग बॉस सीजन 16 का घर, चलिए आपको भी दिखाते हैं, हर एक कोने में घुमाते हैं। वेल, आपको बता दूं कि बिग बॉस सीजन 16 की आज से ज़बरदस्त शुरुआत होने वाली है। वहीं अगर हम घर की बात करें तो घर को सर्कस थीम में बनाया गया है, चारों तरफ जोकर ही जोकर है। और ये जो आप तस्वीर में देख रहे हैं ये है एंट्री गेट, जहां की वेलकम टू सर्कस हाउस लिखा है। इस बीच आपको बता दूं कि पूरा ओवरऑल जो जोकर का फेस होता है वो एंट्री गेट पर लगाया गया है, बहुत ही बड़े से नोज़ हैं जोकर के, और ओवरऑल जो थीम है वो काफ़ी ज़्यादा तहकदार चमकदार है। आपको बता दूं कि बैक टू बैक ये जो है वो डाइनिंग एरिया है, जहां पर वीकेंड के वार्प के दौरान जो कंटेस्टेंट्स हैं वो बैठकर सलमान की फटकार सुनते हैं। वेल, वो भी बेहद ज़्यादा खूबसूरत बनाया गया है। वहीं हम बात करें स्विमिंग पूल की, तो स्विमिंग पूल जो है वो भी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। और साथ ही साथ बेडरूम्स की अगर हम बात करें तो खबरें भी जो आई थी कि बेडरूम्स चार होने वाले हैं, अलग अलग बेडरूम्स होने वाले हैं, तो बेडरूम इस बार डिफरेंट किए गए हैं। हर एक बेडरूम की जो नक्श जो अगर हम दिखावट कहें तो वो अलग अलग तरह की है। ये रहा किचन, और किचन भी काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है। इस बेडरूम को आप देख सकते हैं, ये बेडरूम जो है बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। 2 से 3 बेड लगे हैं यहाँ पर। कंटेस्टेंट्स अलग अलग बेडरूम दिए जाएंगे कंटेस्टेंट्स को, लेकिन जो बेडरूम है एक बेडरूम में कम से कम 3 से 4 कंटेस्टेंट एडजस्ट करने वाले हैं। वहीं एक से दूसरे बेडरूम के बीच में ये शीशा लगा है, जहाँ से कंटेस्टेंट एक दूसरे को देख सकते हैं। और ये जो एक रूम है ये बेहद ही ज़्यादा खूबसूरत कॉन्सेप्ट के साथ है, ब्लैक एंड ग्रेश टाइप का कॉम्बिनेशन में ये दिया गया है। जैसे ताश के जो पत्ते होते हैं तो वो कॉम्बिनेशन जो होता है ताश के पत्तों का और ज़ेब्रा क्रॉसिंग का, तो बस उसी किसी मोटिव को लेकर ये बिग बॉस का ये वाला कमरा जो है वो डिज़ाइन किया गया है। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो अगला कमरा जो है वो भी बेहद ज़्यादा खूबसूरत है, लेकिन इस कमरे में 2 नहीं बल्कि 3 बेड्स हैं। बाकी 2 रूम्स आपने देखा उसमें 2-2 बेड थे, और लेकिन एक जो कमरा है उसमें 3 बेड्स लगे हुए हैं, साथ ही साथ सोफ़ा है। हर एक कमरे में हम देख रहे हैं कि बीच में जो है वो पार्टीशन दिया है वो आर पार शीशे का, जहाँ कि आप इस कमरे से दूसरे कमरे में देख पाएंगे कि आखिरकार चीज़ें क्या हो पा रही हैं, मतलब कंटेस्टेंट्स देख पाएंगे। बात करें ये एरिया की तो ये डाइनिंग एरिया है, और यहाँ पर बैठकर सभी कंटेस्टेंट्स जो हैं वो अपना खाना खा सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं। लड़ाई झगड़े जो भी हो वो इन्हीं पूरे घर के अंदर जो है 105 दिन होने वाले हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 2 एंट्रेंस दिख रहा है, एक वेलकम टू द सर्कस और एक जो है वो दूसरे साइड का एंट्रेंस है, जहाँ की जो एरिया है वो रूम की तरफ जाता है, और दूसरा जो एरिया है वो कहीं ना कहीं एक रिंग मास्टर जो रूम है, जो डिफरेंट तरीके से वाइट एंड ब्लैक रूम जो नाम दिए गए, विंटेज रूम जो नाम दिए गए, तो डिफरेंट डिफरेंट गेट्स के थ्रू उन सभी रूम्स को डिज़ाइन किया गया है। बात करें इस एरिया की तो ये एरिया वॉशरूम एरिया नज़र आ रहा है, जो कि काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है। इसमें डिज़ाइनिंग बहुत ही ज़्यादा ओवरऑल प्यारी की गई है। ये एरिया है जहाँ पर टास्क होगा कंटेस्टेंट्स के बीच में, डिफरेंट तरीके के टास्क यहाँ पर कंटेस्टेंट्स खेलेंगे। वेल, आप बताइए आपको कैसा लगा है बिग बॉस सीजन 16 का ये ज़बरदस्त सर्कस हाउस। कमेंट सेशन में अपने रिएक्शन ज़रूर शेयर करें। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।